तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा नाम है विजय और आपको मेरा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक ब्लॉग रोहिणी जाने का। तो मेरा एक दोस्त है, उसने फ़ोन करके बोला कि भाई चल रोहिणी चलते, रोहिणी जाके वहाँ का थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चल। तो फिर संडे है, संडे को गाड़ी लेके निकल जाते। तो आप मेरा रोहिणी जाने का ब्लॉग देख लीजिए एक बार। तो हेलो गाइस, मैं घर से निकल गया सुबह का खाना वाना खा के। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाई रोड के ऊपर, वहाँ से जाके थोड़ा पेट्रोल भी भरवा लेना है। और ये हमें ललवा लग रहा हूँ ना, ठीक है। तो आ गए पेट्रोल पंप, 100 का पेट्रोल भरवा लेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं है ना। तो हो गया, चलते हैं। चलो भाई, तो हो गया थोड़ा सा पॉकेट खाली, फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाएंगे ना। तो चलो, तो मैं रास्ते पे बहुत बार सोच रहा था वहाँ पे जाके कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसा एंगल रहेगा, कितना लोग रहेगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं। कभी भी ऐसे बाहर जाके वीडियो शूट कभी नहीं किया, तो ट्राई करेंगे पहली बार। फिर भी मन में आशा थी कि वीडियो तो बनाएंगे, छोटा भी हो फिर भी बनाएंगे। और पूरा जो मैं वीडियो बनाऊंगा सभी मेरा फ़ोन से ही बनेगा, कुछ भी मतलब कोई कैमरा, एक्स्ट्रा कैमरा नहीं होगा, ना गोप्रो है ना कुछ भी, एक्स्ट्रा माइक भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही हाथ पे कैमरा लिए कुछ भी शूट कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं रोहिणी के बहुत ही करीब आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ का जो टोल गेट है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 रुपये लगता है, तो मैं दे दिया। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अपना मंजिल पे पहुँचते हैं। और इन दोनों को देख लीजिए, 2 रुपये दे दो, ऐसा नहीं है भाई। चलो मैं आ गया। तो दोस्तों, आप रोहिणी कभी भी आ सकते हो, यहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो गाइस, हम आ गए हैं रोहिणी, और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब एकदम कूल है। तो क्या करने वाले आज, यहाँ का कुछ सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा जगह का व्यू दिखा देते हैं। तो चलिए मेरे साथ कुछ नया करते हैं। तो मतलब ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन क्या बोलूँ, मतलब इतना मतलब मेहनत कर रहे, एक बार बैग उठा रहे, एक बार बैग नमा रहे ना, तो मतलब पसीना हो गया। इतना सारे लोग देख रहे थे, मतलब नया वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब बोलने में कब क्या कहाँ क्या बोलना है, मतलब स्क्रिप्ट तो लिख के नहीं आ लाया, क्या कर सकते, सामने लड़के लोग देख रहा है। तो ऊपर से आ रहे, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे एक मंदिर भी है। पहले आपको रोहिणी का मंदिर दिखा देते। तो दोस्तों, हमें टेंपल के अंदर तो मतलब वीडियो शूट करने का अलाउ नहीं किया, तो क्या कर सकते, बाहर से वीडियो बना लिया, बस वही देखो। भूख भी लग गया, शाम भी हो गया, थोड़ा खाना ऑर्डर कर लिया, वीडियो कंप्लीट हो गया, अभी घर जाने का वक्त हो गया। अभी सोचा था मतलब वीडियो बनाना बहुत ही आसान होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है एक वीडियोग्राफी करने का, मेहनत हो गया बहुत। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। और पता है मेरे को साउंड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा माइक नहीं है, तो क्या कर सकते, फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नेक्स्ट वीडियो ड्राइंग के ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे मिलते हैं। बाय बाय।